पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर अवैध हथियार बनाने की दो फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने मौके पर मिले अवैध हथियार व दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। आज मथुरा के थाना बरसाना क्षेत्र के गांव हथिया में पुलिस द्वारा छापेमार कार्रवाई कर दो अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। मौके से बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। ग्राम हथिया में अवैध शस्त्र की दो फैक्ट्री पकड़ी गई हैं। पुलिस द्वारा एक बंदूक, तीन तमंचे व अलग अलग बोर के 20 कारतूस, काफ़ी संख्या में अदबने तमंचे, मौके से बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद हुए हैं। ग्राम हथिया में अवैध शस्त्र की दो फैक्ट्री पकड़ी गई हैं। पुलिस द्वारा एक बंदूक, तीन तमंचे व अलग अलग बोर के 20 कारतूस, काफ़ी संख्या में अदबने तमंचे व अवैध हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए हैं। SP देहात ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है और पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर उनके साथियों का पता लगाया जा रहा है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में थाना बरसाना के ग्राम हथिया में अवैध शस्त्र बनाने की दो फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। इस प्रकरण में दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम असलम शनाफ सुब्बा उम्र 45 वर्ष एवं आमिर शनाफ असलम उम्र 26 वर्ष है। दोनों ही ग्राम हथियार के निवासी हैं। अभियुक्तों के कब्जे से एक बंदूक, 12 बोर एवं तीन तमंचा, 315 बोर बरामद हुए हैं एवं 11 कारतूस, 12 बोर एवं 9 कारतूस, 315 बोर के भी बरामद हुए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से अन्य उपकरण भी बरामद हुए हैं एवं अदबने तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश करके उनके खिलाफ भी अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।